अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही विवादों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसी कि अंततः इसके मेकर्स को घुटने टेकने ही पड़े। सोमवार को वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने एक प्रेस नोट जारी कर पूरी कास्ट और क्रू की तरफ से माफी मांगी है। हालांकि तांडव टीम का माफीनामा भी देश के आक्रोश को ठंडा नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर अब भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले लोगों की तरफ से आया ये माफीनामा लोगों को महज औपचारिकता मात्र लग रहा है। अली अब्बास जफर की तरफ से माफी मांगने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत भी उन पर भड़की। कंगना ने ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट में कंगना ने अली अब्बास जफर से सवाल पूछ डाला कि क्या उनमें अल्लाह का मजाक उड़ाने की हिम्मत है। दरअसल कंगना से पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अली अब्बास जफर जी कभी अपने मजहब पर मूवी बनाकर माफी मांगिए, सारी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे ही धर्म के साथ क्यों, कभी अपने एकमात्र इष्ट का भद्दा मजाक उड़ाकर भी शर्मिंदा होइए, आपके अपराधों का हिसाब भारत का कानून करेगा, जहरीला कंटेंट वापस लीजिए, तांडव को हटाना ही पड़ेगा। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट पर कंगना ने भी ट्वीट किया था। इन प्रतिक्रियाओं से यह संदेश भी जाता दिख रहा है कि एक माफीनामा गुस्से की उस आग को ठंडा नहीं करता जो तांडव के मेकर्स ने अपनी वेब सीरीज के जरिए लगाई है। सोशल मीडिया के जरिए लोग तांडव को बैन करने की मांग अभी भी कर रहे हैं। इससे पहले कंगना ने एक और ट्वीट किया था जिसके जरिए उन्होंने देश के गद्दारों पर निशाना साधा था। कंगना ने ट्वीट में लिखा, गद्दारी और वफादारी खून में भी होती है। खुशी की बात है कि मैं उन योद्धाओं के परिवार से आती हूँ जो भारत की अखंडता के लिए लड़े। अगर मैं एक हिंदू नहीं होती फिर भी राष्ट्रवादी बनना ही चुनती। हम वो नहीं जो अपनी थाली में छेद करें। जय हिंद। इतना ही नहीं, कंगना ने तो ये भी कह डाला कि तांडव में जानबूझकर आपत्तिजनक दृश्यों और शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, समस्या सिर्फ हिंदू फोबिक सामग्री की नहीं है बल्कि ये रचनात्मक रूप से खराब है। हर स्तर पर वंचित, अत्याचारी और आपत्तिजनक रखे गए हैं। जानबूझकर विवादास्पद दृश्य रखे गए हैं। उन्हें न केवल आपराधिक इरादों के लिए बल्कि दर्शकों को यातना देने के लिए भी जेल में डाल देना चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद वेब सीरीज में मोहम्मद जीशान अयूब पर फिल्माए गए एक सीन को लेकर है जिसमें जीशान भगवान शिव का गेटअप लिए दिख रहे हैं। वेब सीरीज में जिस तरह भगवान शिव और नारद मुनि के बीच संवाद दिखाया गया है वह हिंदू देवताओं का सीधे तौर पर अपमान के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सीरीज के पहले ही एपिसोड में यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए एक्टर जीशान अयूब आजादी का मुद्दा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सीन टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रेरित बताया जा रहा है। इस सीन को लेकर भी जबरदस्त नाराजगी देखी गई। इस पूरे सीन को लोगों ने जेएनयू मामले से जोड़ा। वहीं अली अब्बास जफर ने माफी मांग कर कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।